अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डीजर किचन। आज हम बना रहे हैं मटन कीमा इन माय स्टाइल, वेरी इजी रेसिपी विदाउट एनी योगर्ट एंड टोमेटोस। हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, इसमें एक बेलीव्स है, 4 ग्रीन कार्डमम, 4 to 5 ब्लैक पेपर कॉर्न्स, 1 टुकड़ा जावित्री का और 4 लौंग, और हमें चाहिए 2 स्लाइस्ड अनियन, और हमें चाहिए ड्राई मसालों में 2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 3-4 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 7 to 8 चॉप ग्रीन चिलीज, 3 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया के पत्ते और नीचे 200 ग्राम मटर, 1.25 केजी अराउंड कीमा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हमारे गर्म मसाले ऐड कर दिए, इसमें क्रैकल हो रहे हैं, हम इसमें डालेंगे स्लाइस अनियन, इन्हें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। मेक श्योर वन थिंग कि आप ये कीमा मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल वाला टेस्ट आपको किसी और ऑयल में नहीं मिलेगा फॉर दिस रेसिपी स्पेशली। फिलहाल ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे कीमा। हमने अपना कीमा इसमें डाल दिया कुकर में और इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर कोई मसाला डालेंगे। हमारा कीमा भून रहा है, अब पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया, इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भूनेंगे कम से कम 3-4 मिनट। हमारा अदरक लहसुन भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले और इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें ही हम ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमने मसालों को 2-3 मिनट भून लिया, अब हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे मटर। मेरे पास फ्रोजन मटर, आपके पास फ्रेश हो तो भी इसी टाइम पे ऐड करेंगे, फ्रोजन वाले भी इसी टाइम पे ऐड करेंगे, क्योंकि हम कुकर को प्रेशर लगाएंगे। और इस स्टेज पे आप अपनी सीजनिंग चेक कर लीजिए, मिर्ची नमक जो आपको कम ज़्यादा लगे इसी स्टेज पर डाल लीजिए। ये हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और अब हम इस टाइम पर कुकर बंद कर देंगे और इसे 3-4 बजे तक बना लेंगे, पका लेंगे। मिलते हैं 10 मिनट्स में। हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे, कीमे को अच्छे से भूनेंगे और ऑयल अच्छे से जब ऊज आउट हो जाए और खुशबू पूरे घर में आने लगे, आपका कीमा बिल्कुल रेडी है। टाइम पे हम ऐड करेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, और ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। बिलीव मी गाइस, ये इजी कीमा खाने के बाद आपको कोई और कीमा पसंद नहीं आएगा, प्लीज ट्राई करिएगा इसे जरूर। 2 मिनट से और चला लेते हैं और अपना फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारा मटन कीमा बिल्कुल तैयार है, अब हम आपको स्विच आउट करके दिखाते हैं। हमारा खूबसूरत सा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही गाइस, ट्रस्ट मी, आई कांट वेट टू ईट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जाएं बनाएं खाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।